बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आई एम डॉक्टर सलमा वक्कास और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी ड्राई स्किन को कैसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ड्राई पैचेस बन जाते हैं स्किन पे, तो कैसे आप उसको ट्रीट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहली जो होम रेमेडी हम डिस्कस करेंगे, उसमें हम बेसन का इस्तेमाल करेंगे। तो 3 टेबलस्पून बेसन ले लें और इतनी मिल्क क्रीम ले लें, यानी बलाई इतनी ले लें कि वो एक थिक पेस्ट बना दे। एक थिक पेस्ट बना के उसको अच्छी तरह मिक्स करके अपनी ड्राई स्किन के ऊपर अप्लाई करें और इसको तकरीबन 15 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद नीम गर्म पानी से धो लें। इससे आपकी स्किन लाइट होगी, एक्नी फ्री हो जाएगी, टैन को रिमूव करेगा, डेड स्किन को रिमूव करेगा, आपकी स्किन को फेयर बनाएगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप मिल्क क्रीम यूज़ कर सकते हैं और अगर आपकी स्किन ऑयली है तो भी आप इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं। सिर्फ आप मिल्क क्रीम की जगह मिल्क को यूज़ करें। अगर आपकी चिन पे, माउथ पे, नोज़ पे या हैंड्स पे ड्राई पैचेस बनते हैं तो उसके लिए पीनट बटर बहुत अच्छा है। आप पीनट बटर को अप्लाई कर सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है, या फिर आप शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। शहद आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा, हाइड्रेट करेगा, स्किन को डैमेज होने से बचाएगा, एक्नी से बचाएगा, एंटीबैक्टीरियल है इसलिए इन्फेक्शन से बचाएगा, एजिंग से होने वाले डैमेजेस से बचाता है शहद, और रिंकल्स बनने से बचाता है। तो शहद को अप्लाई करें अपनी स्किन के ऊपर। आप इसको अपनी पूरी स्किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं नहाने से 10 से 15 मिनट पहले, और उसके बाद आप नहा लें। कोकोनट ऑयल बहुत अच्छा होता है स्किन के लिए। अगर आपकी स्किन में ड्राइनेस रहती है तो आप अपनी स्किन को अच्छी तरह वॉश कर लें और उसके बाद इसके ऊपर कोकोनट ऑयल अप्लाई करें। स्किन को वॉश करने के बाद जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो वो अच्छी तरह एब्जॉर्ब होगा। जैतून के तेल को इस्तेमाल किया जा सकता है ड्राई स्किन के लिए। 1 चाय का चम्मच मिल्क क्रीम ले लें और उसके अंदर 1 चुटकी हल्दी डाल दें, 4 से 5 कतरे ऑलिव ऑयल के उसमें ऐड कर दें और एक पेस्ट बना लें। अब इसको अपनी ड्राई स्किन के ऊपर अप्लाई करें, 10 से 15 मिनट तक इसको लगा रहने दें और उसके बाद इसको धो लें। ये आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा, फ्रेश करेगा, स्मूथ बनाएगा, ड्राइनेस को ख़त्म करेगा और इसमें टर्मरिक है तो फिर ये आपकी कॉम्प्लेक्शन को भी अच्छा कर देगा। जैतून का तेल पेनिट्रेट कर जाता है स्किन के अंदर और स्किन को क्लींस करेगा। आप अपने नॉर्मल मॉइस्चराइज़र जो है उसकी जगह भी जैतून का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अच्छा है स्किन के लिए बहुत। लेमन जूस और मिल्क क्रीम को मिक्स करके यूज़ किया जा सकता है ड्राइनेस के लिए। कुछ कतरे ले लें लेमन जूस के और उसके अंदर 1 टीस्पून ऑफ मिल्क ऐड करें और 2 टीस्पून ऑफ मिल्क क्रीम ऐड कर दें। आप जब भी शॉवर लेना हो उससे पहले ये अपनी ड्राई स्किन पे अप्लाई करें और कुछ मिनट इसको लगा रहने दें, उसके बाद आप नहा लें। ये दिन में आप एक दफ़ा कर लें, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। स्किन को सॉफ्ट बनाएगा, मॉइस्चराइज करेगा, स्मूथ बनाएगा और ये ड्राइनेस को ख़त्म करेगा। तो ये कुछ होम रेमेडीज़ थी ड्राई स्किन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और लोगों का भी इससे फ़ायदा हो सके। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।